Thank you.
ज्यादा लोग उठ रहे हैं इसलिए वार्तालाप का आधा घंटा दिया जा रहा है। अष्टदेव सिर्फ सूर्यवंशियों से होते हैं और जो देवियों के रूप में दिखाई गई है वो नंबर बार अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड हैं। जैसे जगदम्बा कौन से धर्म से कनेक्टेड है? चंद्रवंशी से। उनको पटरानियों के रूप में भी दिखाया है महाभारत में और भागवत में। एक ही महारानी है जिसको कहते हैं राधा और बाकी सब हैं पट रानी, माने अलग अलग धर्मों में पट से जाके गिरती है। उनमें उतनी सहन शक्ति नहीं होती है, जो देवी देवता सनातन धर्म की मूल बन सके। इसलिए देवियों को नंबर वार दिखाया जाता है। और आत्मा शरीर छोड़ती है तो जब शरीर छोड़ेगी तभी तो शरीर छोड़ेगी जब इसके शरीर का हिसाब किताब पूरा हुआ होगा। जिस आत्मा का अपना शरीर का हिसाब किताब पूरा हो गया उसको तो शरीर छोड़ना ही पड़े, उसका नया शरीर पहले से ही तैयार होने लगता है। शरीर छोड़ने से 4 महीने पहले आत्मा का अपना नया शरीर गर्भ में तैयार होने लगता है, क्योंकि पुराने शरीर से उसका हिसाब किताब पूरा हो गया। जो सडन में शरीर छोड़ते हैं उनके ऊपर पापों का बोझा बहुत बढ़ जाता है, उसको कहते हैं अकाले मौत। अकाले मौत उन आत्माओं का होता है जिनके ऊपर पापों का बोझा बहुत हो जाता है, तो वो पापों का बोझा ज्यादा न बढ़े इसलिए उनको अचानक मौत होती है। अचानक मौत होने के बाद वो आत्मा को अपना शरीर नहीं मिलता थोड़े समय तक, ताकि पापों का बोझा न बढ़ता रहे। दुनिया में पाप बढ़ते रहेंगे लेकिन उस आत्मा का पापों का बोझा नहीं बढ़ेगा। वो जिसमें प्रवेश करेगी उसका हिसाब किताब बनाएगी, उसका अपना हिसाब किताब नहीं बनेगा। और आगे आगे माना श्रेष्ठ, काल माने समय और हस्ती माने हस्ती। कहते तुम्हारी क्या हस्ती है? तो काल की हस्ती बहुत बड़ी है। जब समय आता है, जैसे आज की मुरली में आया कि जब समय आता है तो वो कार्य स्वतः ही संपन्न हो जाता है, उसको कहते हैं काल हस्ती। लेकिन एक है श्री काल हस्ती। जब महाकाल संसार में उदय होगा तो जो कार्य अभी तक नहीं हो पाए हैं ईश्वरीय कार्य, वो कार्य श्री काल हस्ती के प्रत्यक्ष होने से ऑटोमेटिक संपन्न होने लगेंगे, इसलिए उसको कहते हैं श्री काल हस्ती। और सरकार
छुट्टी की घोषणा हुई सेवेंटी सिक्स से सरकारी घोषणा हुई शिव जयंती की भी छुट्टी गजटेड हॉलीडे में मनाई गई। छुट्टी मिलती थी लेने से छुट्टी मिलती थी वो लेने से छुट्टी मिलती थी लेकिन सभी की छुट्टी नहीं थी। हाँ जी हाँ जी और तो एक 5000 वर्ष का खेल में आप दोनों सतर्क मेहता का शूटिंग जो तो फाइनल ये थे ना बाबा हैं बोले कि तो फाइनल ये तो सभी का शूटिंग होता है यहाँ। हाँ तो फिर जो बाप का मुद्रा रन है उसको भी एक ही शूटिंग करना पड़ता है एक ही शूटिंग पाँच टोटल 5000 वर्ष में बोले कि तो फाइनल ये सुखराम का बच्चा अभी बाबा ने बताया मुरली को बताया बाबा ने सभी आत्माएं की शूटिंग यहाँ बना लेती है यहाँ होती है। हाँ तो बाप का बकरा रोज है और भी शूटिंग बाप का बकरा रोज बाप का जो माया रथ है वो भी चार प्रकार की शूटिंग में आता है। माया पकड़ती है क्या? माया पकड़ती है लेकिन किस आधार पर पकड़ती है ये भी बता दिया। बाप चाहे तो वापस जा सकते हैं लेकिन बच्चों के लिए रुके हुए हैं तो बच्चों का जो संग का रंग लगता है वो रामकृष्ण की आत्माओं को भी लगता है। ऐसे नहीं है कि रामकृष्ण की आत्माओं को बच्चों का संग का रंग नहीं लगता है उनको भी लगता है। तो जब तक बच्चों के साथ हिसाब किताब है तब तक वो भी अप एंड डाउन में आ सकते हैं लेकिन जो बाप का मुकर्रर रथ है इसलिए याद की यात्रा में रहने से जल्दी ही वो संग का रंग निकल जाता है। जैसे और बच्चों को ठहरता है वैसे बाप को उतना ठहरता नहीं। और क्योंकि बाप में वो कृष्ण की सोल भी विराजमान है इसलिए दोनों ही आत्माओं को संग का रंग उतना नहीं लगता। और बताया कि जो भी सूर्यवंशी हैं वो ही सतयुग में रहेंगे अथवा जो सूर्यवंशी नहीं है चंद्रवंशी भी हैं लेकिन उन्होंने अपने को सरेंडर कर दिया तो क्या बन गए? सूर्यवंशी बन गए इसलिए वो भी रह सकेंगे जैसे विजयमाला। बाकी रुद्रमाला के मणके भले हों लेकिन वो अगर अपने को अंत तक सरेंडर नहीं कर पाते हैं पूरा पूरा तो फिर उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। और अरे सब धर्म के आत्माओं के बीज हैं इस दुनिया में ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस में तो उनमें सबका पुरुषार्थ एक जैसा होगा या नंबरवार होगा। उनमें जो अंतिम नौकुरी के ब्राह्मणों में से जो अंतिम होंगे वो उतना पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। वो अंत में जब सन 36 में विनाश का टाइम होगा तब संपन्न स्टेज को प्राप्त कर सकेंगे। तो लंबे समय का पुरुषार्थ काम में आवेगा या थोड़े समय का पुरुषार्थ काम में आवेगा? जिन्होंने लंबे समय का पुरुषार्थ किया होगा
वो अंत समय में काम आवेगा, नहीं तो धोखा दे जाएंगे। बीज तो है लेकिन गिरती कला का धर्म से कनेक्टेड है या करती कला के धर्म से कनेक्टेड है? बाबा ने कहा मेरे साथ रहने वाले भी मेरे को नहीं पहचान पाते, तो जगदम्बा से ज्यादा संग और किसने किया होगा? और कोई है जिसने जगदम्बा से ज्यादा संग का रंग लिया हो? विजयमाला के हेड ने तो बिल्कुल ही संग का रंग नहीं लिया, तो भी आगे बढ़ जाती है। और जगदम्बा ने तो जितना संग का रंग लिया उतना और कोई ने नहीं लिया, मेला भी उनका मनाया जाता है सबसे बड़ा। जगदम्बा का मेला सबसे बड़ा मेला है। क्यों है बड़ा मेला? क्योंकि उसने बाप के साथ बड़ा मिलन मेला मनाया है, फिर भी मुरली में बोल दिया मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते। मेरे को नहीं पहचान पाते तो बच्चों में बुद्धि उलझ जाती है, जैसे आजकल की माताओं का हाल है। जाते हैं, रहते हैं। हाँ जी, ये दुनिया में शूटिंग कौन करता है? एक है भारत माता और एक है जगत माता। जगत माता बिछोह की शूटिंग करती होगी या भारत माता बिछोह की शूटिंग करती होगी? भारत माताएं एक खसम छोड़ दूसरा नहीं करती हैं, और वो जगत माताएं हैं, वो जगत में सब धर्म के लोग आ जाते हैं। जगत माना सब धर्म, इस्लामी भी है, बौद्धी भी है, क्रिश्चियंस भी है, सब धर्मों की माता है। तो सब धर्मों के जो संस्कार हैं वो कौन सी माता से शुरू हुए होंगे? जगत माता से शुरू हुए होंगे। तो अब वो बच्चे विधर्मी बच्चे कहें कि हमारी माता क्यों नहीं दिखा देखने में आती है बाप के पास? अरे वो तो हुई तलाक की परंपरा। तलाक की परंपरा की फाउंडेशन भी किसने डाली होगी? माँ बाप ही डालेंगे। और बाप आकर बच्चों को राजू कहा जाता है, इसको राजू कहा जाता है। हाँ जी, राजू प्राचीन राजू का मतलब क्या है? प्राचीन का मतलब जो सबसे पहले सिखाया। सबसे पहले कब सिखाया? जब राधा कृष्ण ने जन्म लिया उस समय से पहले सिखाया। सन 1936 को राजयोग नहीं कहेंगे, 1976 को भी राजयोग नहीं कहेंगे। राजयोग तब कहेंगे जब जगत पिता और माता की कोट में भारत माता की कोटि का पुरुषार्थ करने वाली जो नारी से लक्ष्मी बनने वाली है वो दोनों दोनों साथ साथ मिलकर के एक जैसा पुरुषार्थ करके दिखाए। अरे एक जैसा साथी नहीं है राजयोग में तो संपन्नता नहीं हो सकती। एक है तेज दौड़ने वाला बैल और दूसरा है मरी मरी चाल चलने वाला, तो गाड़ी कहाँ पहुंचेगी? वहीं की वहीं घूमती रहेगी, कोई सफलता प्राप्त नहीं होने वाली। इसलिए बाप जो आकर के सिखाते हैं वो सीखने वाले युगल मण के एक जैसे चाहिए। इसलिए रुद्रमाला और विजयमाला ये दोनों मालाएं गाई हुई है। भगवद गीता का विशेष अर्थ क्या है? जो भगवान की गाई हुई है तो भगवत गीता। भगवान ने साक्षात जिसका गायन किया वो है भगवत गीता। गीता माता, गीता माताएं भी दो हैं,
एक है जिसके दिल पर कृष्ण की छाप है और एक गीता माता है जिसके दिल पर शिव की छाप है, शिव शंकर भोलेनाथ की छाप है। इसलिए नाम पड़ गया श्रीमद् भगवत गीता, भगवान की गाई हुई गीता। और भगवान तो आकर के लक्ष्य देते हैं, नारी से क्या बनना है, लक्ष्मी बनना है। ये लक्ष्य नहीं देते कि नारी से जगदम्बा बनना है। तो लक्ष्य जो प्राप्त करेंगे वो ही भगवती के रूप में संसार में उनका गायन होगा। भगवती है तो भगवान भी जरूर होगा, भगवती है और फिर भगवान दिखाई ना पड़े। जैसे माता आदि कह रही है कि दोनों हैं तो माता पिता हैं, दोनों नहीं दिखाई पड़ते हैं तो माता पिता कैसे पहचाने जाए। तो भगवान के साथ भगवती भी चाहिए। भगवती का पद कौन प्राप्त करेंगे, लक्ष्मी नारायण। भगवान आते हैं तो क्या बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। जगदम्बा जगत पिता बनाने नहीं आया है, क्या बनाने आया है, लक्ष्मी नारायण बनाने आया है। और बेटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद अगर फिर थोड़ी तो वो लोग इंस्पिरेशन पार्टी बनते करके सुना, इंस्पिरेशन पार्टी में आएंगे, इंस्पिरेशन पार्टी में आएंगे। हाँ जी, बेटी की जो पढ़ाई पूरी होने की सवाल ही तो नहीं है ना, संपन्न होने की तो सवाल ही नहीं है। बेटी की पढ़ाई को संपन्न नहीं कह जाता ना। बेसिक पढ़ाई जितनी भी है प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई, और कोई फर्स्ट क्लास पास हो जाए तो उसे ये तो कहेंगे कि प्राइमरी स्कूल फर्स्ट क्लास पास किया। हाँ, इसमें भी इंस्पिरेशन पार्टी का तो इसकी प्रवेशता होती है। हाँ, तो वो अगर पढ़ाई तो उधर जिन्होंने पूरी नहीं किया वह अभी पूरी करेंगे कि हमारे अंदर पूरी करेंगे। हाँ, क्योंकि जो बीज रूप आत्माएं हैं, जो बीज हैं वो पूरा चक्कर लगाने वाले हैं, और जो बीज नहीं है उससे साबित होता है उन्होंने पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ी, बीच में छोड़ के चले गए। हाँ जी, हमको तो पैसा भेज रही हूँ आगे। बाबा तो कहते हैं कोई बच्चे ऐसे हैं जो जो पढ़ने वाला आया है उससे कम बुद्धि वाले हैं, पढ़ने वाला है तीखा, पढ़ाने वाला है कमजोर, लेकिन फिर भी हिम्मत करता है, तो मैं उनमें प्रवेश कर लेता हूँ। और सब धर्मों की माता जगत माता। हाँ, भारत माता, सूर्यवंशियों की माता जो है वो परदादी है, वो माता नहीं है, माताओं की भी माता है। क्या उसको कहते हैं काशी नगरी, काशी नगरी शंकर को बहुत प्रिय नगरी है। गंगा भी उतनी प्रिय नहीं है, यमुना भी उतनी प्रिय नहीं है, लेकिन काशी नगरी बहुत प्रिय है। और बिल्कुल बिल्कुल, हर धर्मों के ग्रुप की माता भी होती है और पिता भी होता है।
वहाँ पर ही हर धर्म का हाँ फाउंडेशन तो यहीं पड़ता है, सूर्यवंश से ही हर धर्म का फाउंडेशन पड़ेगा। सूर्यवंश में जो संस्कार नहीं होंगे वो दुनिया में कहीं भी संस्कार नहीं होंगे। सूर्यवंशियों का थोड़ा सा संस्कार और दूसरे दूसरे धर्मवंशों का विस्तार में संस्कार बन जाएगा। हाँ दूसरे ग्रुप को पसंद नहीं करते, अब परीक्षा होगी तब पता चलेगा कैसे चले जाएंगे, बिना परीक्षा के कैसे पता चले हैं? पालन पोषण तो सारी दुनिया का करते हैं बाप। जब विश्व पिता होगा तो सारी दुनिया का पिता कहा जाएगा या एक दो का पिता कहा जाएगा? है सही तो दादा ने कहा कि इसलिए कि आप अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, इससे फिर अधिकतर मंदिर में तो पढ़ाई होती कृष्ण की आत्मा की पढ़ाई पूरी नहीं हुई, इसलिए नष्टो मोहा नहीं बना। आज बाबा ने कहा कि 76 में राम वाले आत्मा की गुर्दरी के पेट में वो टोकरी में शिवजनी नदी को पार किया बोलते हैं, मगर संपन्न पार कैसे कर सकते? नहीं वो तो दिखाया है भक्तों ने, वो बात बताई बाबा ने कि 76 में कृष्ण की आत्मा वास्तव में प्रवेश करती है, तो जो कृष्ण के भक्त हैं वो कृष्ण को ही समझ लेते हैं, संगमयुगी कृष्ण। वास्तव में जो संगमयुगी कृष्ण नाम है वो आत्मा का नाम है या शरीर का नाम है? नाम सब शरीर पर पड़ते हैं, ये आत्मा के ऊपर नाम पड़ता है, शरीर के ऊपर नाम पड़ता है। तो जो सूर्यवंशी होंगे वो तो राम की आत्मा को समझेंगे, और जो चंद्रवंशी होंगे वो किसको समझेंगे? वो कृष्ण की आत्मा को समझ लेंगे। ये अंतर पड़ जाते हैं, कृष्ण की आत्मा साथ में है लेकिन बाप कौन है और उसमें बच्चा कौन है? हाँ अभी दोनों सेनाएं हैं या नहीं? एक ही सेना है, एडवांस पार्टी है और बेसिक पार्टी नहीं सुन रही है, नहीं सुनती है। ऐसा तो नहीं कि चोर बाजारी कर रही हो, चोर बाजारी कर रही है तो भी तो सुन रही है ना। कहते हैं रावण जो था वो जानता था कि ये भगवान है, लेकिन जानबूझ करके क्या करता था? कहता था जब तक मेरे से लड़ाई में जीते नहीं तब तक मैं भगवान नहीं मानूंगा। ऐसे ही गांधारी जानती थी कि मेरे नेत्र हैं, देखती भी थी, फिर भी जानबूझ करके आंखों के ऊपर पट्टा बांधा हुआ था, माना हठ योगी थी, मानने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे ही यहाँ की बात है, ऐसे नहीं है कि कुमार का दादी बुद्धू है। हाँ
करने की इच्छा है लेकिन कर नहीं सकते, इसका मतलब माया के पंजे में है ना। माया रावण का एक तरफ खींचना और राम बाप का एक तरफ खींचना, राम बाप पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहता है या घटाना चाहता है? राम बाप बढ़ाना चाहता है और रावण माया रावण पीछे घसीट लेना चाहता है, तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब इच्छा मात्र अविद्या नहीं हो पा रहे। जो पाना था सो पा लिया, ये स्टेज नहीं बन पा रही है, इसका मतलब अभी बहुत कुछ इच्छाएं बची हुई हैं। बाप कहते हैं तुमसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि तुम्हें बाप मिला, ये सबसे भारी खुशी है। बाप मिला, सब कुछ मिला, अब पाने को कुछ भी रह नहीं गया, फिर भी इच्छाएं पीछा नहीं छोड़ती, मोह ममता लगा हुआ है, रिजल्ट निकलना शुरू हो गए, आठ के रिजल्ट निकलना शुरू हो गए ना, और अभी भी जो परीक्षा है जिसका रिजल्ट भी पहले से बता दिया कि पहला पेपर क्या होगा परीक्षा का, नश्यो मोहा स्मृति लब्धा, वो कहाँ तक बने हैं? ऐसे तो नहीं देह देह के संबंधों में ही फंसे पड़े हैं अभी तक? इसका मतलब जो देह और देह के संबंधों में फंसे हुए होंगे वो आठ की संख्या में आ जाएंगे क्या? आएंगे? आ ही नहीं सकते, आठ की लिस्ट में वो ही आएंगे कि जब से एडवांस में आए हैं तब से लेकर के अब तक देह और देह के संबंधों का अंश मात्र भी उनमें न दिखाई पड़े, कोई आकर्षण नहीं। तो पुरुषार्थ भी जरूर आगे बढ़ेगा, बाप सबसे पहले बच्चों को पसंद करते हैं, जब देह और देह के संबंध ही अपने नहीं है, दुनिया में कोई भी अपना नहीं है तो बुद्धि कहाँ लगेगी? ईश्वरीय सेवा में लगेगी या देह संबंध देह के संबंधियों की सेवा में लगेगी? ईश्वरीय सेवा में लगेगी, जिनकी बुद्धि जिनका तन जिनका धन सारा ही ईश्वरीय सेवा में लगेगा तो बाप किन को याद करेगा? सभी सभी बच्चों को याद करेगा, जिनको बाप याद करेगा उनकी ताकत बढ़ेगी, या जो अपनी ताकत से याद कर रहे हैं वो उनकी ताकत बढ़ेगी? बाप जिनको याद करता है उनकी ताकत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी। बाप सबसे उन बच्चों को याद करते हैं, आठ ऐसे निकलते हैं जो धक्का दे के नश्यो मोहा स्मृति लब्धा नहीं बनेंगे, अपनी स्वेच्छा से बनेंगे, बाकी आगे के जो निकलेंगे उनको धक्का लगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं सब माउंट आबू में पहुंच जाएंगे परम धाम बनाने के लिए, मालूम तो है कि तुम बच्चे परम धाम को इस सस्ती पर उतार लेंगे, फिर कहां तक बैग एंड बैगेज इकट्ठा किया है? कोई ने किया है? मालूम तो है कि आखिरी गति परम धाम में होगी, आबू अब्बा का घर ही अंतिम घर है, सबको पहुंचना पड़ेगा, फिर इसके लिए पुरुषार्थ क्या किए? तैयारी क्या की है?
प्रॉपर्टी बनाने में कोई कोई लगे हुए। द्वादश में चार हैं स्थापनाकारी और चार हैं पालनाकारी और चार हैं विनाशकारी। स्थापना करने वाले और पालना करने वाले ज्यादा प्राप्ति करेंगे या जो नष्टदेव का टाइटल लेंगे वो ज्यादा प्राप्ति करेंगे? कंस्ट्रक्शन करने वालों को ज्यादा मिलता है और डिस्ट्रक्शन करने वालों को जास्ती प्राप्ति नहीं होती है। मकान बनाने वाले ज्यादा तनख्वाह लेते हैं, चाहे इंजीनियर हो चाहे बड़े बड़े मिस्त्री हो, और मकान को गिराने वाले मजदूरों की ज्यादा संख्या नहीं होती है। इसलिए ना बारह में से चार हैं स्थापनाकारी और चार हैं पालनाकारी और बाकी हैं नष्ट करने वाले। जो नष्ट करने वालों की लिस्ट है वो त्रेता के अंत में जाके जो खंडित गद्दियां हैं उनके मालिक बन जाते हैं। गिरजाघर, हे भगवान के बने बनाए घर तू गिर जा। संचक्तर में भी उन्होंने यही पार्ट बजाया होगा। और अंत में भी वो यही पार्ट बजाते हैं। और अभी तो बताया मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, वो कभी बदलता नहीं है, और मेरी आत्मा का ही नाम शिव है। फिर जैसे जैसे शरीर बदलते जाते हैं वैसे वैसे नाम भी बदलते जाते हैं। एक ही आत्मा है जो संपन्न स्टेज प्राप्त करने के बाद जैसे जैसे शरीरों में प्रवेश करती है वैसा वैसा पार्ट बजाती जाती है। बबूलनाथ भी है, कांटे जैसे, बबूल के कांटे जैसे दुखदाई है, उनको भी नाथ लेती है। फिर वही आत्मा है जो पशुपतिनाथ कही जाती है, पशु माने जानवर, जानवरों की तरह जो दुखदाई है उन जानवरों को भी देवता बना देती है। इसलिए नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर बना हुआ है। नाम काम के आधार पर पड़ते हैं, काम शरीर के द्वारा ही किया जाता है, करती तो आत्मा है। और thank you.
हाँ जी अगर अगर लिंग ही नहीं होगा तो शक्तियाँ कहाँ से आ जाएंगी? शक्तियाँ साकार होती है या निराकार? साकार होती है, तो उनका जो जो मुखिया है शिव, वो साकार होगा या निराकार होगा? शिव शक्ति कहा जाता है ना, वो कौन सा संबंध हुआ? पति पत्नी का संबंध हुआ या कोई दूसरा संबंध हुआ? शिव शक्ति जब कहा जाता है तो कौन सा संबंध है? पति पत्नी का संबंध है, तो पति निराकार और पत्नी साकार, ये कैसे चलेगा? है हाँ, साकार में निराकार स्टेज वाला, इसीलिए तो लिंग कहा गया है। शिवलिंग के आसपास शक्तियां दिखाई जाती हैं। लिंग है साकार की निशानी, उसमें बिंदु है निराकार की निशानी। और बड़े आराम से बैठे हुए हैं, सब निर्बंधन है क्या? निर्बंधन आत्माएं वो हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में दूसरों को बंधन नहीं डाला हुआ है, वो इस आखिरी जन्म में आकर के निर्बंधन बनती है। ये निर्बंधन बनना भी एक बड़े भाग्य की निशानी है। संगम युग में आकर के कोई निर्बंधन बना हो तो समझो बहुत भाग्यवान है। फिर कोई कोई ऐसे होते हैं, हैं तो निर्बंधन, लेकिन मन का बंधन बहुत है तो सब बेकार हो जाता है। कौन से मार्ग की आत्मा है? दक्षिण मार्ग में। दक्षिण भारत में वो उत्तर भारत में नहीं होती है, है? दक्षिण भारत को ये बताया, दक्षिण भारत है भारत का विदेश, क्या बाकी भाषा भी अलग, बाकी चाल चलन भी अलग, बाकी रीति रस्म रिवाज भी अलग। दक्षिण भारत जो है वो पहले समुद्र में डूबेगा और उत्तर भारत नहीं डूबेगा। जैसे दुनिया के जो विधर्मी देश हैं, दूसरे दूसरे धर्म खंड हैं, जब विनाश होगा तो पतन के गर्त में, सागर के गर्त में समा जाएंगे, ऐसे ही भारत का कौन सा खंड होगा जो पानी में समा जाएगा, सागर में समा जाएगा? सागर के किनारे किनारे के जो देश हैं वही जाएंगे। तो दक्षिण भारत ही है जो भारत के हिसाब से विदेशी कहा गया है। ये नहीं कहा है कि दूसरे धर्मों में अच्छी आत्माएं नहीं होती हैं। जो माला बनती है, चाहे रुद्र माला हो, उस माला में क्या दूसरे धर्म की आत्माएं नहीं आती हैं? आती हैं। तो ये नहीं कह सकते कि दक्षिण भारत में सब राक्षस ही राक्षस रहते हैं और उत्तर भारत में सब देवताएं ही देवताएं रहते हैं। नहीं, पांच उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, हैं? बाबा ये नहीं बोले कि दक्षिण भारत में सब राक्षस होते हैं, ये गलत बात है। अगर ऐसा होता तो रुद्रमाला में सारे राक्षस ही राक्षस होने चाहिए। बाप आते हैं तो हम हर धर्म से चुनिंदा चुनिंदा से आत्माओं को उठाते हैं। और बाप तो खुद ही क्या बन के आया हुआ है? विदेशी बन के आया हुआ है। अभी विदेशी बाप भारत के विदेश में ज्यादा चक्कर काट रहा है या स्वदेश में ज्यादा चक्कर काट रहा है?
विदेश में ज्यादा चक्कर काट रहा है, तो काय के लिए? विदेशियों को स्वदेशी बनाने के लिए चक्कर काट रहा है या और राक्षस बनाने के लिए? है स्वदेशी बनाने के लिए चक्कर काट रहा है। और माला में गिने जावेंगे, लेकिन वो अंत में जब विनाश होगा तो सूर्यवंशी जो पक्के होंगे, जो आज से ही पक्के पुरुषार्थ वाले होंगे, वो बचेंगे और उनकी प्रजा बचेगी, बाकी सब खलास हो जाएंगे। क्योंकि जो सतयुग आवेगा उस सतयुग में कृष्ण के राज्य में टोटल आबादी कितनी होगी अंत तक? 9 लाख अंत तक। माने कृष्ण के राज्य के 150 वर्ष जब पूरे हो जाएंगे, तो 150 वर्ष पूरा होने के बाद, 150 वर्ष पूरा होने तक 9 लाख आत्माएं ऊपर से नीचे आती रहेंगी। ऐसे नहीं कि संक्षिप्त 36 तक ही 9 लाख आबादी पूरी हो जाएगी, इसलिए वापस जाना पड़े। और ऊपर से जो आवेंगे उनकी कला कम होगी, लेकिन ऐसे भी हैं जो आवेंगे तो अपने चोले में प्रवेश करेंगे, गर्भ से जन्म नहीं लेंगे। जो गर्भ से जन्म लेते हैं उनकी कला कम होती जाएगी, जो अपने ही चोले में आकर के प्रवेश करेंगे उनकी कला कम नहीं होगी। है अच्छा, माने अपने चोले में प्रवेश नहीं करेंगे? जो योग युक्त चोला होगा वो शरीर छोड़ेगा? जो 4.5 लाख हैं जो योग युक्त होंगे वो अपने चोले में प्रवेश करेंगे या पराई चोले में प्रवेश करेंगे? योगी माना सो सहयोगी, जो पूरे पूरे बाप के सहयोगी बनेंगे उनकी कंचन काया बनेगी इसी शरीर से। तो इसी शरीर से कंचन काया बनेगी, वो तभी हो सकता है कि जब उसी चोले में प्रवेश करे। और स्वदेशी बाप की ज्यादा पालना पाते हैं, साकार बाप की। अच्छा, विजय माला जो है वो स्वदेशी है या विदेशी है? है स्वदेशी है। अभी ज्यादा पालना पा रही है या पालना नहीं पा रही है? बोलो, नहीं पा रही है ना, तो ये बात तो झूठी हो गई। देखो, झाड़ के चित्र में जो नास्तिक धर्म की जड़ है वो ज्यादा नजदीक है और दूसरी जड़ें दूर है, तो बाप ये नहीं देखता कि ये स्वदेशी है कि विदेशी है। बाप तो देखता है कौन हिम्मत वाला है। हिम्मत है बच्चे तो मदद दे बाप। और परम धाम में जाना पड़े सबको, या कोई ऐसा भी होगा जो परम धाम में मन बुद्धि से नहीं जाएगा? मन बुद्धि माने आत्मा, कोई ऐसी आत्मा है जो परम धाम जाए बगैर सुख धाम में चली जाए?
सबको जाना पड़ेगा ना ठीक। और जोर से बोलो, बंदर जो होता है उसको दिल नहीं होता है, ऐसे नहीं दिल नहीं होता है, छोटा दिल होता है। दिल होता तो है लेकिन इतना बड़ा दिल नहीं होता जितना औरों का होता है, इसलिए वो बंदर बहुत ऊंची ऊंची स्टेज में चढ़ जाता है, डरता नहीं है। दिल का दर्द नहीं होता उसको, ब्रह्मा बाबा को दिल का दर्द हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, उसको हार्ट फेल होने की बात नहीं है। अरे अगर दिल वाले होते तो बाप को इतने प्रूफ और प्रमाण पहचानने के बाद, इतने प्रूफ और प्रमाण मिलने के बाद दिलवाले होते तो बाप के ऊपर निश्चय बुद्धि हो जाते थे हमेशा के लिए। ब्रह्मा बाबा के लिए तो कोई प्रूफ नहीं था, कोई प्रमाण नहीं था कि इसमें भगवान शिव ने प्रवेश किया, तो भी जो उसके बच्चे थे उन्होंने उसको अपना सब कुछ अर्पण कर लिया, और शरीर छोड़ने के बाद आज भी उसी के गीत गा रहे हैं। लफुल था ना, फिर ऐसे ही समझ लो लाफुल है, लाफुल में लफुल भी तो प्रवेश है, वो भूल क्यों जाता है? जो प्रवेश है ये कब कहा कि तो जो प्रवेश है उसको मत देखो और जिसमें प्रवेश किया है उसी को देखो, ऐसा किसी मुरली में बोला? और हाँ झूला लाल का क्या बड़ा हुआ है, माना कोई कमी नहीं है, चाहे कितना भी खर्चा होता रहे फिर भी दूल्हा लाल का कुआं भरा हुआ रहेगा। इसमें ज्ञान धन की कमी नहीं हो सकती, ज्ञान जल फूटेगा नहीं। शाह की जो हुंडी है वो भरी भराई है या खूटती है? वो कभी खाली नहीं होती, भरी भराई रहती है। उसको कहते हैं सांवल शाह की हुंडी। शास्त्रियों का ज्ञान फूट जाएगा, बड़े बड़े विद्वान आचार्य आचार्यों का ज्ञान फूट जाएगा, क्योंकि वो शास्त्रों में बंधा हुआ है। ईश्वरीय ज्ञान शास्त्रों में बंधा हुआ नहीं है, वो सीमाहीन है। जैसे सागर की गहराई नहीं नापी जा सकती, ऐसे ही ज्ञान सागर की, ज्ञान की गहराई नापी नहीं जा सकती, अखूट है। किसी को प्रश्न पूछने के लिए मना कर दिया है क्या है? वो गुरु लोते हैं, वो अपनी सभाओं में किसी को बोलने की इजाजत नहीं देते, उन गुरुओं के भी गुरु बैठे हुए हैं बेसिक नॉलेज में,
वो अपने क्लास में आने वाले जो जिज्ञासु हैं उनको भी खोलने नहीं देते, मुंह पर पट्टा बांध देते हैं। तो क्या कहेंगे, उनकी हुंडी भरी हुई है या खाली है? खाली है। तो बाप कोई अपने लिए धन रखता है क्या? बाप के पास जो भी है वो सब बच्चों को दे करके जाता है, खुद राजा ही नहीं करता। शंकर को खुद बेगर रूप में दिखाया जाता है और बच्चों को राजा ही देता है। सारी कंट्रोलिंग पावर बच्चों के हाथ में आती है। बाप बच्चों से द्वापर में लेगा या द्वापर उसे आकर के बच्चों को देता है? और जो धर्म है, दूसरे धर्म है, देह अभिमानी धर्म, उनको राजाई आकर के देता है कि लेता है? उनको और राजाई देता है, लेता नहीं है। जो देवता होता है वो हमेशा देवता रहता है, अगर पक्का देवता है, और लेवता होता है तो हमेशा लेता ही रहता है। हाँ है, तो 16,000 थोड़े ही राजाएं बनते हैं, वो तो प्रिंस प्रिंसेस बन के रह जाते हैं। है? अच्छे काम करेंगे, दूसरों को सुख देंगे तो 10 दासी क्यों बनेंगे? यहाँ दूसरों को दुख देंगे, दुख देने वाली वाचा बोलेंगे, दुख देने जा रहे कर्म करेंगे तो वहाँ 10 दासी नहीं बनेंगे? इससे तो अच्छा सरेंडर ना हो। इसलिए बोला 16,000 में आने से तो अच्छा है साहूकार बन जाए प्रजा में, प्रजा वर्ग में जाकर के। इस बड़े बड़े साहूकार होते हैं, उनके पास ढेर सैकड़ों की सैकड़ों तादाद में दास दासियां होते हैं, राजशाही ठाट से रहते हैं, वो ज्यादा अच्छे या सरेंडर हो गए और सरेंडर होने के बाद उल्टी चाल चली और दास दासी बने, वो ज्यादा अच्छे? बाप का नाम बदनाम कराए। और बिल्कुल अच्छी सेवा करेंगे तो अच्छा पद मिलेगा, ये मतलब नहीं है। ये बताया चाहे झाड़ू पोछा करने वाला हो लेकिन दिल से सेवा करे। क्या दिमाग न दिखाए, हमने झाड़ू पोछा किया, तुम क्या करते हो 20 बातें दूसरों को सुना दी और झाड़ू पोछा किया, क्या फायदा हुआ? ऐसी कोई बात नहीं, कर्मणा सेवा करने वाले भी अगर प्यार से कर्मणा सेवा करें तो कर्मणा सेवा के भी 100 नंबर है। वाचा सेवा करने वाले अगर वाचा प्यार से सेवा करें तो उनके भी 100 नंबर हैं। वाचा सेवा करने वाला हो और तीखी तीखी बातें सुनाता जाए, दूसरे का दिल खराब करता जाए, तो उसको ऊंचा नंबर मिलेगा या कम नंबर मिलेगा? है? उसने सेवा की, ईश्वरीय सेवा की, आसुरी सेवा की। और बोलो आवाज समाती तांत्रिक विद्या को कहते हैं तंत्र, है पंचतत्व किताब का नाम है। हाँ जी। और तुम्हारी आवाज यहाँ तक नहीं आती,
जब लड़ाई लड़ते हैं बहुत तेज आवाज निकलती है। पंचतंत्र की किताब है, किताब का नाम है पंचतंत्र। तंत्र मंत्र जो है वो अनेक प्रकार के होते हैं, उनमें से मुख्य मुख्य को पंचतंत्र नाम दे दिए। पांडव अनेक प्रकार के हैं, लेकिन जो मुखिया हैं उनका नाम पांच पांडव दे दिया। ऐसे नहीं एक युधिष्ठिर ही था, अनेक युधिष्ठिर हैं। जो अंत तक युद्ध में स्थिर बने रहे तो युधिष्ठिर। ऐसे ही पंचतंत्र भी अनेक प्रकार के तंत्र हैं। तंत्र मंत्र और यंत्र, तांबे के पात्र पर पत्ते पर जो लिख लिख करके तैयार किए जाते हैं, सिद्ध किए जाते हैं उन्हें, तंत्र मंत्र और यंत्र कहा जाता है। और क्या टाइम हो रहा है?